हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम सी क्यू में आज हम डिस्कस करेंगे ये मैंने जो है ये फाइव हंड्रेड एम सी क्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी फार्मासूटिक्स के जो है फाइव हंड्रेड एम सी क्यूज़ ठीक है तो मैंने इसके टू पार्ट्स अपलोड कर दिए थे हंड्रेड 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 एम सी क्यूज के ठीक है तो अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हंड्रेड एम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के ठीक है तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके हंड्रेड में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन है क्वेश्चन है रेसिप मीन्स ऑप्शन देखिए यू टेक एज टेक विथ टेक या ऑल ऑफ दीज तो रेसिप्ट का मतलब होता है जो आर एक्स होता है वही है ये तो इसका मतलब होता है यू टेक ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो ठीक है जो अभी हमने देखा था आर एक्स देखा था रेसिप जो है यू टेक जो है उसी उसी को बोलते हैं ये वही है तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसीलिए किया है देखिए ये क्वेश्चन है अभी जी पैट में आया था ठीक है जी पैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो अभी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि जो क्वेश्चन हैं रिपीट होते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बट क्वेश्चन वही का वही होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है आर एक्स होता है ठीक है तो इसको टेक दो भी बोलते हैं और ये किसका पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन में तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप सब्सक्रिप्शन इंस्क्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन या सिग्नेचर तो ये होता है सुपरस्क्रिप्शन में आता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन है द फिनिना ऑफ इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ठीक है वीक इलेक्ट्रोलाइट या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है बाई एडिशन ऑफ ए वोटर मिसिबल सोलवेंट ठीक है तो वोटर मिसिबल सोलवेंट को एड करके जो जो नॉन पोलर ड्रग है उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं जो ये वोटर मिसिबल सोलवेंट्स जो होता है इसमें इन विच ड्रग हैज़ गुड सोलबिलिटी और इसमें जो वोटर मिसिबल सोलवेंट होता है इसमें ड्रग की क्या होती है गुड सोलिबिलिटी होती है तो इस फिना को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है ऑप्शनस हैं कॉम्प्लेक्सेशन को सोलवेंसी सोलिबलाइजेशन या हाइड्रोट्रोफी तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं आप लोग अपना आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा तो इसको बोलते हैं कोसोलवेंसी होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कोसोलवेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन है विच इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ऑप्शंस आर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको इस टाइप से दिए हुए हैं चूज द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन में ए बी एंड डी तो हमें बताना है नहीं है कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है तो ये डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो में आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है बट बट ये एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मतलब कि सी जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता अब ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो राइट right हो जाएगा इसमें लिखा हुआ है सी ओनली जो सी है वो नहीं है मतलब ओनली सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बाकी के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइफ क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑप्शन है कंसनट्रेशन डेंसिटी प्रेशर या वॉल्यूम तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन है द सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज वन दीयर्ड ठीक है तो इसे क्या बोलते हैं ऑप्शन है डायल्टेंट फ्लो न्यूटोनियन फ्लो प्लास्टिक फ्लो या सूडो प्लास्टिक फ्लो तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा डायरेक्ट एंड फ्लो हो जाएगा इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे सिर्फ क्वेश्चन उसका आंसर देखेंगे क्योंकि डिस्कस करने से हमें हंड्रेड क्वेश्चन देखने हैं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हाँ फ्रेंड्स ये जो आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है ये है मेरी वेबसाइट का लिंक जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप लोग वेबसाइट पे चले जाते हैं वहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको जितने भी एम सी मैं डिस्कस करती हूँ सारे के सारे वहाँ पर अपलोड होते हैं आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं ओके इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है इस तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग अपराटस इज यूज टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज़ बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मैथड ऑप्शन है पिकनोमीटर विस्कोमीटर एंडरसन अपराटस या फ्राइबिलेटर ठीक है तो इस जो है डिटरमाइन पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज की डिटरमाइन करना है बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मैथड तो इसके लिए कौन सा अपेटस यूज करेंगे तो इसके लिए यूज करेंगे एंडरसन अपरेटस ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स चेंज शार्पली ओवर नैरो कंसंट्रेशन रेंज एंड आर कॉल्ड एज तो इसे क्या बोलते हैं ऑप्शन है क्रिटिकल माइसिल कंसेंट्रेशन आयोनिक कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या सरफेस टेंशन तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन सी होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज एन इन्ग्रेडियंट ऑफ एन ऑब्जॉर्प्शन बेस ऑप्शन है पेट्रोलेटम लानोलिन लानोलिन हाइड्रोजिनेटेड ऑयल या सिटाइल एल्कोहल ठीक है तो न, कौन सा ऑइंटमेंट बेस है जो ऑब्जॉर्प्शन बेस में आता है तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लैनोलिन जिसको बोलते हैं हाइड्रस वूल फैट भी बोलते हैं लैनोलिन को तो ये आता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा एब्जॉपशन बेस में आता है ये तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी सिर्फ मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपको ठीक है ये मैंने कहीं ना कहीं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं ऑइंटमेंट बेस भी डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है प्रिजरवेटिव आर यूजअली नॉट एडिड टू ऑप्शन है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स ऑल पैरेंट्रल्स या बैक्टीरिया स्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन तो प्रिजरवेटिव आर यूजली नॉट एडिड किस में एड नहीं करते लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स में एड नहीं करते ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कोल्ड एज तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं ऑप्शन देखिए पैशरीज नैजल बोगीज बोगीज या सपोजिटरीज तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज को बोलते हैं बोगीज ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है प्रोपाइल गैलेट इज ए तो प्रोपाइल गैलेट क्या होता है ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ठीक है आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर उसका आंसर सोच सकते हैं तो प्रोपाइल गैलेट क्या होता है ये एंटी होता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है थर्टीन में है द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ठीक है जो uh, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें जो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है कौन से पार्ट में होता है ऑप्शन है इन इन इंस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन या सिग्नेचर तो ये होता है सब्सक्रिप्शन में होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देख रहे हैं नेक्स्ट फोर्टी नंबर क्वेश्चन है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन एमरजेंसी इज़ फॉलोड बाय ऑप्शंस है ऑटोक्लेव फ़िल्टरेशन रेडिएशन या हॉट एयर ओवन तो एमरजेंसी में जो होता है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन वो होता है रेडिएशन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है ए सोलवेंट विच कैन इधर एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटोन इज कॉल्ड उसे क्या बोलेंगे ऑप्शन देखिए एम्फी पोलर सोलवेंट नॉन पोलर सोलवेंट ए नन ऑफ दीज तो ये होता है एम्फी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल फो सर्टिफाइड रेड कलर इज तो सर्टिफाइड रेड कलर में किसका नाम आता है एमरंथ का आता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है सिक्सटी मिनिम्सेंट टू तो ये होता है फोर एम एल ऑप्शन बी हो जाएगा ओके okay? ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से डिस्कस करे हुए हैं नेक्स्ट है एटीन नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ यंग्स फॉर्मूला तो यंग्स फॉमूला क्या होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज प्लस ट्वेल्व इन टू तो इसका ऑप्शन ए ही राइट right हो जाएगा ये होता है यंग्स फॉर्मूला नेक्स्ट है नाइन्टीन नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव द बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑप्शन है हीमोलिसिस रिडक्शन कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स और डी ऑफ ब्लड सेल्स तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है द मैकेनिज्म बाय विच थािन ऑक्साइड एक्टरलाइजर एजेंट इज ऑप्शन है ऑक्सीडेशन कोएगुलेशन अल्काइलेशन रिडक्शन तो ये हो जाएगा अल्काइलेशन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन है मैकेनिज्म बाय विच रेडिएशन एक्टे एजेंट इज ऑप्शन है ऑक्सीडेशन कोएगुलेशन कोल्केशन या लीथल म्यूटेशन तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में जो मैकेनिज्म होता है वो होता है लीथल म्यूटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसेंशियल इनग्रेडियंट ऑफ इफरवेसेंट पाउडर तो इफ़रवे पाउडर्स जो है इसमें सिट्रिक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमारे ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा सिट्रिक एसिड ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है क्रीमिंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शन सस्पेंशन ऑइंटमेंट कैप्सूल या इमल्शंस, तो क्रीमिंग्स जो होता है इमल्शन के केस में होता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्वेश्चन लेबल शुड बी द फार्मासिक्स टू द कंटेनर वाइल्ड डिस्पेंसिंग इमल्शंस ठीक है इमलशंस के कंटेनर पर कौन सा लेबल होना चाहिए ऑप्शन देखिए डो नोट रेफ्रिजरेट शेक वेल बिफोर यूज़ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ए नो प्रजर्वेटिव एडिड तो ये इमलशन और सस्पेंशन के लिए होता है शेक वेल बिफोर यूज़ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा पश्चिम नंबर ट्वेंटी फाइव है ए मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल्स इन ड्राई फोम ऑप्शंस देखिए सोल्यूशन सिरप पाउडर्स या ऑइंटमेंट तो ड्राई फॉर्म में देखिए सोल्यूशन तो होते नहीं ड्राई फॉर्म में और सिरप्स भी नहीं होते ऑइंटमेंट भी नहीं होते तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा पाउडर्स नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है लाइट सेंसिटिव इंजेक्शन पैपरेशन आर ऑप्शन है एम्बर कलर्ड कंटेनर न्यूट्रल ग्लास कंटेनर एम्बर कलर्ड न्यूट्रल ग्लास कंटेनर या एम्बर कलर्ड सोडा ग्लास कंटेनर तो इसका क्या आंसर होना चाहिए तो इसका हो जाएगा एम्बर कलर्ड कंटेनर जो लाइट सेंसिटिव प्रपरेशन होती है उनको एम्बर कलर्ड कंटेनर्स में स्टोर करते हैं ना तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है इफ़ आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट दे मस्ट बी ऑप्शन है फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स स्टेराइल नॉन एक्वस या हाइपरटोनिक तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बोरोसिलिकेट ग्लास इज ऑप्शन हैं टाइप थ्री ग्लास टाइप टू टाइप वन ग्लास या नन ऑफ दीज तो टाइप वन ग्लास को बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद मैन स्ट्रम फॉर सेवन डेज इज नोन एज ऑप्शन है परकोलेशन मैसीरेशन मैसीरेशन मैसी डिकॉक्शन तो इसको बोलते हैं मैसीरेशन बोलते हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा थर्टी नंबर क्वेश्चन है थर्मोलेबल पाउडर्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाई ऑप्शन है थैलिन ऑक्साइड बैक्टीरियो ये है बीटा प्रोपियोलैक्ट्रोन है ठीक है बीटा प्रोप्योलैक्टोन ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन तो थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात हो रही है तो इसके लिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा इथलिन ऑक्साइड हो जाएगा थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म ड्रग इज़ मोस्ट बायो अवेलेबल ऑप्शन है सस्पेंशन कंट्रोल रिलीज सोल्यूशन या टैबलेट तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोल्यूशन ठीक है ड्रग जो मोस्ट बायो अवेलेबल होती है तो किस कौन सी डोजेस फॉर्म से तो ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट है थर्टी टू नंबर क्वेश्चन है कंसंट्रेसन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज एज प्रिजर्वेटिव ठीक है तो जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट होता है प्रिजर्वेटिव होता है इसकी कितनी कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं ऑप्शन देखिए पॉइंट जीरो टू परसेंट पॉइंट जीरो ज़ीरो टू परसेंट पॉइंट जीरो 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 टू परसेंट या पॉइंट टू परसेंट तो ये ऑप्शन बी होता है पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच फिल्टर इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑप्शन है लीफ मेम्ब्रेन ड्रम या मेटा तो स्टरलाइजेशन के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन कोल्ड क्रीम्स जो होती है किस टाइप का इमलशन होता है तो कोल्ड क्रीम्स होती है वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ नो स्ट्रील इज कोल्ड ऑप्शन है डस्टिंग पाउडर एफेंट पाउडर इन सफलेशन या एक्सप्लोसिव तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इन सफलेशंस होते हैं ये थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है वेनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट मैं बट मेट मे बी क्लासीफाइड एज ऑप्शनस है वाटर सोलिबल बेस एंड ऑयलेजिनस बेस एंड एब्जॉर्बशन बेस या एंड इमर्शन बेस तो वैनिशिंग क्रीम जो है इमलशन बेस में आता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है लुब्रिकेंट इज़ यूज इन टैबलेट फोर ऑप्शन है डिस इंटीग्रेशन बाइंडिंग फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल इन टू द मशीन या नन ऑफ दीज तो ये इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओके फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स इन टू द मशीन नेक्स्ट है थर्टी एट नंबर क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टेबलेट ऑप्शन है मोनसेंटो टेस्टर फाइजर टेस्टर स्ट्रोंग को भी ऑल ऑफ द अबाव तो सारे ही टेस्ट यूज करते हैं तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव ठीक है टेबलेट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए ये मोन्सेंटो टेस्टर है फाइजर टेस्टर है और स्ट्रोंग को भी सारे ही टेस्टर यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है सुटेबल एंटी ऑक्सीडेंट फॉर नॉन एक्वस प्रोडक्ट इज ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसलफाइड थारिया बुटाइलेटिड हाइड्रोक्सीटोलियून या स्कॉर्बिक एसिड तो नॉन एक्वस प्रोडक्ट के लिए जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है वो ये यूज करेंगे ऑप्शन सी बुटाइलेटिड हाइड्रोक्सीटोलियून नेक्स्ट है थर्टी नाइन के बाद फोर्टी नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी है डिसंटीग्रेशन टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑप्शन है चुएबल टेबलेट्स शुगर कॉटेड टेबलेट्स फिल्म कॉटेड टेबलेट या कॉटेड टेबलेट तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है किसके लिए नहीं होता तो चुएबल टेबलेट्स हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए चुएबल टेबलेट्स नेक्स्ट है फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में है हाईली इनफ्लामेबल प्रोपेलेंट्स आर ऑप्शनस है सी एफ सी क्लोरो हाइड्रोकार्बन कंप्रेस्ड गैस या नन ऑफ द एबो तो ये हाईली इंफ्लामेबल प्रोपेलेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में है मटेरियल यूज इज़ इन कोटिंग ऑफ टेबलेट इज ऑप्शनस है शुगर जेलटीन बीज वैक्सीस एलोज एसिडेड थैलेट तो कोटिंग के लिए मैंने आपको बताया हुआ है थैलेट है जो यूज़ होते हैं तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम यूज फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ ए फिक्स्ड ऑयल इज़ ऑप्शंस देखिए फोर रेशो फोर रेशो टू वन रेशो टू रेशो फोर या टू रेशो फोर रेशो फोर या फोर रेशो टू रेशो वन ठीक है तो फिक्स्ड ऑयल्स के लिए जो प्राइमरी मशन के लिए जो रेशो होता है ऑयल वाटर और गम का ये फोर टू वन होता है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन है शिलैक एंड जीन आर यूज्ड इन शुगर कोटिंग प्रो हाँ तो हम कहाँ सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ठीक है तो शिलैक हाफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है शिलैक एंड जीन आर यूज इन एंड इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फोर ठीक है तो आ, शुगर कोटिंग की प्रोसेस में जो शिलैक और जीन यूज़ करते हैं तो ये कौन से स्टेप में यूज़ करते हैं मतलब इसका ये है कि ठीक है शुगर कोटिंग प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना तो शिलैक और जीन जो है किस में यूज़ करते हैं ऑप्शन देखिए सील कोटिंग कलर कोटिंग पॉलिशिंग या सब कोटिंग तो ये जो है ये सील कोटिंग में यूज करते हैं ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है सोर्बिटन मोनोलोरेट इज एक कॉमनली नोन एज ऑप्शन हैं स्पैन ट्वेंटी स्पैन फोर्टी स्पैन सिक्सटी या स्पैन एट्टी ये एट्टी है स्पैन एट्टी तो जो सोर्बिटन मोनोलोरेट होता है ठीक है ये स्पैन होते हैं ठीक है तो इसके लिए जो लो रेट के लिए है स्पेन ट्वेंटी हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट right हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स चूज द मिल यूज फॉर पाउडरिंग वेरी हार्ड ड्रग वेरी हार्ड ड्रग्स के लिए कौन सा मिल यूज़ करेंगे ऑप्शंस हैं फ्लूड एनर्जी मिल डिसिनटीग्रेटर कोलोइडल मिल या एज रनर मिल तो वेरी हार्ड ड्रग्स के लिए डिसंटीग्रेटर यूज़ करते हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट ऑप्शन है लैक्टोज एकेशिया टैल क्या पोलिनाइल पायरोलीडीन ठीक है तो कोटिंग फिल्म कोटिंग के लिए ऑप्शन डी यूज करेंगे पोलिनाइल जिसे पीवीपी बोलते हैं पोलिनाइल पायरोलीडीन फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन है ऑइंटमेंट कंटेनिंग इनसोलिबल मेडिकामेंट इज प्रपेयर्ड बाय द मेथड ऑप्शन है फ्यूजन इमर्शन ट्राइचुरेशन या मिसलेनियस तो जो ऑइंटमेंट्स होती हैं जिसमें इनसोलिबल मेडिकामेंट्स होता है उनको प्रिपेयर करते हैं ट्रैचुरेशन से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है द सब्स्टांस विच इज़ इनडिफ्यूजिबल इन मिक्सचर ठीक है जो क्या है इनडिफ्यूजिबल होते हैं वो कौन से सब्सटांस हैं ऑप्शंस है कैफीन सोडियम क्लोराइड फिनासिटीन या बोरिक एसिड तो इनडिफ्यूजिबल सब्सटांस में है, आता है फिनासिटीन आता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है पोलियथाइलिन सॉर्बिटन मोनोलोरेट इज नोन एज ठीक है अभी हमने स्पेंस का देखा था अब हम ट्वेंस जो है जो पोलिस पोलियथाइलिन सोर्बिटन जो इसको बोलते हैं पोलिसोर्बेट्स बोलते हैं ठीक है ठीके? जो ट्वेंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं पोलिसोर्बेट्स है। तो ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा ट्वेंटी है जो ट्विन ट्वेंटी को बोलते हैं पोलियथाइलिन सॉर्बिटन मोनोलोरेट तो ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है आउटपुट साइज रिडक्शन ऑफ ए मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड ऑन ऑप्शन है केमिकल नेचर बल्क डेंसिटी फिजिकल करेक्टर या मटेरियल स्ट्रक्चर तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा बल्क डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है फिजिकल प्रॉपर्टी विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ऑप्शन है फ्लो सरफिस टेंशन डेंसिटी या सॉलिबिलिटी तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो क्या अफेक्ट करती है अब्जॉर्बशन को अफेक्ट करती है वो है सॉलिबिलिटी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है इसमें है प्रिंसिपल इन्वॉल्ड इन साइक्लोन सेपरेटर टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूड इज ऑप्शन है ऑसिलेशन गायरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या वाइब्रेशन तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है प्रिंसिपल जो होता है साइक्लोन सेपरेटर में फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है लिनिमेंट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन है वाटर इन ऑयल इमल्शन इन डिफ्यूजिबल मिक्सचर सस्पेंशन या ऑयल इन वाटर इमल्शन तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन है डिफ्यूजिबल सॉलिड इज ऑप्शन है चैल्क मैग्नीशियम कार्बोनेट एसिटाइल सैलिसिक एसिड या कैलामाइन तो डिफ्यूजिबल सॉलिड में आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट फिफ्टी थ्री फाइव नंबर क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट तो कौन सी मिल है जिसमें कोई मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन है बॉल मिल एज रनर मिल फ्लूड मिल फ्लूड एनर्जी मिल या रोलर मिल तो फ्लूड एनर्जी मिल जो होती है उसमें कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होते ऑप्शन सी राइट हो जाएगा फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है ग्लास कंटेनर्स शुड कंप्लाई विद द ऑप्शनस है हाइड्रोलिटिक रजिस्टेंस मैकेनिकल स्ट्रेंथ लीकेज इन नन ऑफ दीज तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोलिटिक रजिस्टेंस फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है मिल कंसिस्ट ऑफ तीन रोलर्स मतलब कौन सी मिल्स है जिसमें तीन रोलर्स होते हैं ऑप्शन है बॉल मिल रोलर मिल कोलोइडल मिल या ट्रिपल रोलर मिल तो नाम से ही पता लग रहा है ये हो जाएगा ट्रिपल रोलर मिल हो जाएगा नेक्स्ट है एंड एजेंट विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज़ ऑप्शन है एंटी ऑक्सीडेंट फ्लेवरिंग एजेंट स्टेबिलाईज़र या स्वीटिंग एजेंट्स तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था और आप लोगों ने इसका बहुत सही आंसर दिया था एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है इमलशंस आर टू बी लेबल्ड एज ऑप्शन है हैंडल विथ केयर पॉइजन शेक वेल बिफोर यूज डो नॉट यूज़ तो इमलशंस पे लेबल होता है शेक वेल बिफोर यूज़ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है वन पिंट ऑफ वन परसेंट वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन रिक्वायर ऑप्शन है वन ग्राम या फिर फोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव ग्रेन्स एटी सेवन पॉइंट फाइव ग्रेन्स या सेवन हंड्रेड ग्रेन्स ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाए ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एटी सेवन पॉइंट फाइव ग्रेन हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट है सिक्सटी वन कैटेग इज स्टेलाइज्ड बाई ऑप्शनस है मोस्ट हीट ड्राई हीट आयनाइजिंग रेडिएशन या ऑल ऑफ द एबो तो कैटगट जो है इसको स्टरलाइज करने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं ठीक है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव लेकिन जो कैटगट होता है इसके लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू क्वेश्चन है इन हॉट एयर ओवन टेम्परेचर मेंटेन्ड फॉर स्टरलाइजेशन इज ऑप्शन है वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर वन आवर वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स या फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर वन आवर तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर वन आर हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री मोस्ट कॉमन डिस इन कंप्रेस्ड टेबलेट इज ऑप्शन है पाउडर सुक्रोज स्टार्च सेक्टोज लैक्टोज होगा ये सेक्टोज आ गया डेक्सट्रोज ठीक है तो ये जो डिसंटीग्रेटिंग एजेंट्स होता है मोस्ट कॉमन वो होता है स्टार्च होता है ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा स्टार्च स्टार्च क्या होता है मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है ये क्वेश्चन मुझे आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मैम स्टार्च क्या है तो स्टार्च क्या है डिसंटीग्रेटिंग एजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रिप पैकेज इज ऑप्शन है पोलीथिलीन पोलीप्रोपाइलिन पोलीविनाइल क्लोराइड या ऑल ऑफ दीज तो स्ट्रिप पैकेजिंग में सारे यूज करते हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय ऑप्शन आयोनाइजिंग रेडिएशन हॉट एयर ओवन यूवी लाइट या नन ऑफ दीज ठीक है तो प्लास्टिक प्लास्टिक सरेंजेस के लिए क्या यूज करेंगे ये यूज़ करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशनस ही यूज़ करेंगे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट लिनीमेंट शुड बी ऑप्शन अप्लाइड एक्सटर्नली विद फ्रिक्शन अप्लाइड एक्सटर्नली विदाउट फ्रिक्शन स्प्रेड ऑन द अफेक्टेड पार्ट या इनहेल्ड तो लिनीमेंट जो होते हैं इनको अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे लिनीमेंट्स को अप्लाई नहीं करते ब्रोकन स्किन पे इनको अप्लाई नहीं करते क्योंकि इनको कैसे अप्लाई करते, है? करते हैं विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल फोर ए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटांस ऑप्शन जिंक ऑक्साइड सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम पर मैगनेट तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटांस में हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा एन ए ओ एच जो होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी हमारा राइट right हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटी एट सिक्सटी एट में है बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन ऑप्शन हैं द टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब विस्कॉस्ट ऑफ लिक्विड इन एम्पाउल्स पी एच ओ फेंट सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन स्टोर्ड इन स्पेसिफाइड कंटेनर ठीक है तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा सर्फ टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ठीक है इसके लिए बबल पॉइंट टेस्ट यूज करते हैं नेक्स्ट है सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन है ड्राइंग द बाई द प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन इज कोल्ड एज ऑप्शन है स्प्रे ड्राइंग वैक्यूम ड्राइंग फ्रीज ड्राइंग या ट्रे ड्राइंग तो सब्लिमेशन है इसे बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है माइक्रोमैरिटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ऑप्शन है माइक्रोस्कोप पाउडर्स मैट्रिक सिस्टम है स्मॉल पार्टिकल्स तो माइक्रोमेरिटिक्स में क्या करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा सेवेंटी वन है इंजेक्शंस आर प्रपेयर विद द फॉलोइंग ऑप्शनस है पोर्टेबल वाटर ए पायरोजैनिक वोटर हार्ड वाटर या डिस्टिल वाटर तो ए पायरोजेनिक वोटर यूज़ करते हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फ़िजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑप्शंस है मिल्क प्लस वाटर शुगर प्लस वाटर कैम्फर प्लस मैंथोल या सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैम्फ़र प्लस मैंथोल जो है ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है आई ऑइंटमेंट शुड बी ऑप्शन है फ्री फ्रॉम पायरोजेंस स्टेराइल प्रोटेक्टिव या डी आयोनाइज तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी क्या होने चाहिए स्टेराइल होने चाहिए आई ऑइंटमेंट्स सेवेंटी फोर है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज़ बॉयल्ड अलॉन्ग विद वाटर फॉर टेन मिनट्स इज नॉन एज ऑप्शन है इन्फ्यूजन्स डिकॉक्शन मैचूरेशन या परकोलेशन तो इसको बताइए डिकॉक्शन बोलते हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इफर बसंट टेबलेट अलोंग विद एक्टिव मेडिकामेंट कंटेन ऑप्शन देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड बाई एसिड या ऑल ऑफ द तो दसंट टेबलेट्स uh, जो हैं उनमें ये टाइटरिक एसिड सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों ही होते हैं तो हमारा ऑप्शन डी uh, जो है राइट right हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज ऑप्शन है थाइमोल फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट थायोमर्सल या ऑल ऑफ द तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द सारे ही क्या होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव में आते हैं सेवनटी सेवन नंबर क्वेश्चन है यूज़ ऑफ एच एल बी स्केल इज यूज टू डिटरमाइन ऑप्शन है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टेबलेट हार्डनेस ऑफ कैप्सूल फाइननेस ऑफ पाउडर स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन ठीक है तो देखिए आज चल भी स्केल जो है इसका यूज़ करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए तो ये टेबलेट कैप्सूल पाउडर्स इनके लिए तो कुछ है ही नहीं तो के केस नहीं पड़ते हम तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ इमर्शन सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन है इमर्शंस मेड विद ट्विन्स आर यूजुअली तो जो ट्विन्स जो है इनसे जो इमर्शंस बनते हैं वो क्या होते हैं किस टाइप के होते हैं अनस्टेबल वाटर इन ऑयल ऑयल इन वाटर लैक्टोज तो ये होते हैं कौन से होते हैं ये आ, हो जाएगा ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन बनते हैं ट्विन से और स्पैन से कौन से बनते हैं ये वाटर इन ऑयल वाले ओके नेक्स्ट ऑप्शन सी बता दिया मैंने इसका ओके नेक्स्ट सेवेंटी नाइन में है सेवेंटी नाइन क्वेश्चन में क्या है ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ऑप्शन है इमल्शन ट्रांसपेरेंट इमल्शन मिल्की वाइट इमल्शन या इंटेंस वाइट इमल्शन तो माइक्रो इमर्शन तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट इमल्शन नेक्स्ट है एट्टी नंबर क्वेश्चन है ड्रायर यूज़ फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स मिनट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेबलेट इज ठीक है जो टेबलेट्स की मैन्युफैक्चर के लिए जो ग्रेन्यूल्स यूज़ करते हैं ना तो ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए कौन सा ड्रायर यूज़ करेंगे ये पूछा है ऑप्शन देखिए टनल ड्रायर रोटेरी ड्रायर फ्लोडाइज बेड ड्रायर या परकोलेशन तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ करते हैं एटी वन नंबर क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज़ ऑप्शन है माइनस पॉइंट फोर वन डिग्री सेल्सियस माइनस पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस पॉइंट जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस या माइनस पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है ब्लड प्लाज्मा का वो होता है ऑप्शन बी माइनस पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर एटी टू ए सपोजिट्री बेस कंटेन्स ऑप्शन है बीज वैक्स सॉफ्ट पैराफिन ऑयल ऑफ थियोब्रोमा या बैंटोनाइट तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑयल ऑफ थियोब्रोमा तो थियोब्रोमा ऑयल जिसे कोकोआ बटर भी बोलते हैं वो सपोज वो क्या होता है सपोजिट्री बेस नेक्स्ट एटी थ्री नंबर क्वेश्चन है इमलशंस मीन मीट फॉर एक्सटर्नल यूज शुड बी ऑप्शन है ऑयल इन वॉटर टाइप वाटर इन ऑल टाइप बोथ या नन ठीक है तो एक्सटर्नल यूज के लिए जो इमर्शंस होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा क्या होते हैं ऑयल इन वोटर टाइप होते हैं एटी फोर नंबर क्वेश्चन है रोटोसोर्ट इज एन इक्विपमेंट यूज ऑप्शन है टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स टू फिक्स कैप एंड बॉडी ऑफ कैप्सूल्स आफ्टर फिलिंग टू सेपरेट द इम्प्रोपर टेबलेट या टू एडजस्ट द रिक्वायर्ड कंप्रेशन फॉर द टेबलेट तो रोटोसोट क्या होती है टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एटी फाइव नंबर क्वेश्चन है एक क्वार्टनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक इज ऑप्शन डेटोल, लाइसोल आयोडीना सेट्रीमाइड तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सेट्रीमाइड हो जाएगा एटी सिक्स है यूज ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन आयोडीन सोल्यूशन ऑप्शन है इंक्रीज द असोलीबिलिटी ऑफ आयोडीन डिक्रीज द असोलीबिलिटी ऑफ आयोडीन रिड्यूज द टॉक्सिसिटी ऑफ आयोडीन या इम्प्रूव द अपियरेंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन तो क्या करता है इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एटी सेवन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग फॉर्मोलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर तो किसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं ऑप्शंस हैं इमर्शन सस्पेंशन वैक्सीन तो वैक्सीन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा वैक्सीन के केस में ये कंडीशन होती है स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन नंबर एटी एट स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर आईपी ऑप्शंस देखिए वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस एट फिफ्टीन पी एस आई जी फोर थर्टी मिनट्स नेक्स्ट ऑप्शन है वन सेवेंटी वन डिग्री सेल्सियस एज एट फिफ्टीन पी एस आई जी फॉर वन आर नेक्स्ट ऑप्शन है वन थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एट फिफ्टीन पी एस आई जी फोर फिफ्टीन मिनट या वन थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस एट फिफ्टीन पी एस आई जी फोर फिफ्टीन मिनट तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन विच अमंग फॉलोइंग प्रेपरेशन इज अप्लाइड टू बॉडी कैविटी ऑप्शन है क्लोडियो लीनिमेंट डाउचिज या पेंट्स तो इसका आंसर हो, हो जाएगा डाउचीज हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ठीक है ओके नेक्स्ट है नाइन्टी नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर प्रिजरवेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड ऑप्शन देखिए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेड फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट फिनोल एंड नो प्रिजरवेटिव तो आंसर हो जाएगा नो प्रिजरवेटिव ठीक है कोई प्रिजरवेटिव ऐड नहीं करते क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमो मैने तो प्राइमो मैने होता है क्या होता है देखिए ऑप्शन आप लोग अर्ली इन द मॉर्निंग ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा प्राइमो मैने होता है अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमलशंस तो इमलशंस के इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है उनमें कौन सा नहीं है ऑप्शन है क्रीमिंग तो क्रीमिंग होता है फेज इन्वर्जन भी होता है क्रैकिंग भी होता है लेकिन फ्लैशिंग नहीं होता तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा फ्लैशिंग नहीं होता इसमें ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री पे हैं हम नाइन्टी थ्री में क्या पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फिल्टर एड तो इनमें से कौन सा है जो फिल्टर एड का एग्जाम्पल है ऑप्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है आइटोक्सी मिथाइल सेलोज मिथाइल सेलोज है क्यान तो क्या जो है ये होता है फिल्टर एड में आता है कैलिन तो ऑप्शन हमारा डी राइट -right हो जाएगा नाइन्टी फोर नंबर क्वेश्चन है डिसंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टेबलेट ऑप्शन देखिए मिनट सिक्सटी मिनट थ्री आवर्स तो शुगर कोटेड टेबलेट्स का टाइम होता होता है 60 होता है Next, 95 है मिनट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टाइप वन ग्लासड फॉर कंटेनर तो टाइप वन ग्लास कौन सा है ऑप्शन देखिए सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास सोडा ग्लास या सोडा लाइम ट्रीटेड एंड बोरोसिलिकेट ग्लास तो टाइप वन ग्लास होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नाइन्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लेमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट इज ऑप्शन है फ्राइबिलिटी टेस्ट हार्डनेस टेस्ट वेट वेरिएशन टेस्ट टेस्टिग्रेटर डिसइंटीग्रेशन तो इसका क्या हो जाएगा क्विकस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट तो ये होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नाइन्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है वेन एंड कैम्फर आर मिक्स टुगेदर दे विल फॉर्म तो क्या बनाते हैं जब मैंथोल एंड कैम्फर को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है ऑप्शन देखिए पॉजिटिव मिक्सचर यूटेक्टिक मिक्सचर सॉलिड या क्लोडियल मिक्सचर तो ये बनता है यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नाइनटी एट नंबर क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स इज यूज इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फोर ठीक है तो शुगर कोटिंग की प्रोसेस में बीज वैक्स और वैक्स को यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं इसको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पॉलिशिंग नाइन्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है आयोडन वैल्यू ऑफ एन ऑयल सैंपल इज द मेजर ऑफ ऑप्शन मीन मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड या है अन मैटर तो ये होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है पैडल ओवर डिस्क इज एन यू एस पी तो यू एस पी के जो डिसोल्यूशन अपरेटस है वहाँ से क्वेश्चन है ऑप्शन देखिए अपरेटस वन टू थ्री या फाइव तो पैडल ओवर डिस्क होता है अपरेटस फाइव होता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा तो ये हमने इसमें हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन है वन टेबल स्पून फुल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड टू ऑप्शन थर्टी एम एल फिफ्टीन एम एल फोर्टी एम एल टेन एम एल ठीक है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो इसमें मैंने हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोग बताना आपके हंड्रेड में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने गलत बताया है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि गलती तो सभी से हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना किसी का आंसर गलत होता है तो और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं चैनल पे डिस्कस करती रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट एम सी क्यूज़ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं फार्मेसी के वो हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना ओके थैंक यू